वेतन समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर आउटसोर्स और उपनयन कर्मचारियों ने वन विभाग प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 7 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला, जिसके चलते इस बार उनकी दीपावली फीकी पड़ रही है। हमारे प्रदेश स्तरीय संगठन ने वन विभाग चीफ से वार्ता की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें मानी जाएगी, पर अभी तक हमारी मांगें ना तो मानी गई है और ना ही वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक हमारा कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मांगे हैं जिस संदर्भ में हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। नंबर एक, हमारा जो एक शासनादेश निकला था 27 और 8 मध में, उसमें जो कर्मचारी पदों के साथ है उन्हीं को भुगतान किया जाएगा, ये वापस हो जाना चाहिए। दूसरा ये है, हमारे आउटसोर्स और उपनल कर्मचारियों को जो विगत कई माहों से भुगतान नहीं हुआ, उनको भुगतान दिया जाना चाहिए। और अकारण जो हमारे वन विभाग से पदों कर्मचारियों को लगातार हटाया जा रहा है, इन लोगों को हटाना नहीं चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर बने रहेंगे।